हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया में तीन बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि फ्राइडे की क्लोजिंग वोडाफोन आइडिया की कैसी रही थी, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे गूगल पे लेकर के जाना चाहूंगा और गूगल पे मैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। 12.70 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है, लगभग लगभग 1% के आसपास की गिरावट हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी। यहाँ पे देखिए जो खबरें हैं उन्हीं के ऊपर पहले आपके साथ बात करना चाहूंगा। और सबसे पहली खबर यहाँ पे निकल करके आ रही है वो है इट नाउ की न्यूज की वेबसाइट पे, वोडाफोन आइडिया इन टॉक विद द लेंडर फॉर अ फ्रेश लोन ऑफ 10,000 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि आप काफी ज्यादा अमाउंट वोडाफोन आइडिया को अभी भी पे करना बाकी है। तो यहाँ पे फंड राइजिंग के तहत जो प्लान उस एमडी और सीईओ ने हाल फिलहाल में रिवील किया था कि हम जल्दी से फंड राइजिंग करेंगे, जो उसके प्लान तहत यहाँ पे 10,000 करोड़ की नई फ्रेश लोन के लिए वो लेंडर के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे वोडाफोन आईडिया की तरफ से बयान निकल करके आ रही है। तो यहाँ पे बात करें तो अभी तक की बात करें तो कितने लेंडरों ने वोडाफोन आइडिया को लोन देकर रखी है, टोटल मिलाकर देखे तो 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया बैंकों के ऊपर ऑलरेडी है, जिसमें हाईएस्ट एक्सपोजर एसबीआई का है 11,000 करोड़। उसके बाद बात करें येस बैंक और यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंटीशन बैंक की यहाँ पे नाम आ रहा है, जो कि 4,000 और 3,500 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। परंतु एसबीआई का वैसे देखे तो 11,000 करोड़ का एक्सपोजर है यहाँ पे एसबीआई का, परंतु लोन बुक का मात्र 0.5% ही है, क्योंकि एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे इनकी लोन बुक भी बहुत बड़ी है। तो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होने के बावजूद भी उसकी परसेंटेज ऑफ लोन बुक मात्र 0.5 ही आ रही है। तो इसे परसेंटेज में देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट और येस बैंक सबसे आगे है। तो ये खबर है, अभी देखने वाली बात होगी कि ऑलरेडी 37,000 करोड़ के आसपास का बकाया है बैंकों के पास से, तो नई फ्रेश लोन 10,000 करोड़ की उनको मिल पाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी भी खबर यानी फंड राइजिंग के ऊपर ही है और वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वोडाफोन आइडिया मेटेप एफसीसीबी रूट टू राइज $750 मिलियन टू $1 बिलियन, मतलब कि $750 मिलियन से $1 बिलियन के आसपास की फंड राइजिंग यहाँ पे एफसीसीबी मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर के द्वारा यहाँ पे $750 मिलियन से $1 बिलियन के आसपास की फंड राइजिंग का भी वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही है। मतलब कि इसमें आप रुपीज में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 5,550 करोड़ से लेकर के 7,500 करोड़ के आसपास की राशि वो यहाँ पे फॉरेन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स इश्यू करके यहाँ पे करने वाले हैं, वो बताने की कोशिश करी गई है। हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 36% के आसपास की हिस्सेदारी तो यहाँ पे इक्विटी इश्यू करके भारत सरकार को दी है और यहाँ पे काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है वो तो यहाँ पे वसूल कर ही दिया है। हाल फिलहाल में फिर से जो बॉन्ड के इंटरेस्ट निकल करके आएंगे उसके चलते यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लगातार फंड राइजिंग की कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी दो खबरें है। तो दोस्तों यहाँ पे वो बैंकों के पास से फ्रेश लोन ले पाएगा या तो फिर ये फंड राइजिंग कर पाएगा उसके ऊपर अगले वीक में डेफिनेटली अपडेट आनी चाहिए, तो इसके ऊपर पूरे आपकी ध्यान रहनी चाहिए। तीसरी खबर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा है और यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया नीड टू अनदर टैरिफ हाइक, ARPU need to increase by 1.9x। मतलब कि मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है कि वोडाफोन आइडिया को अभी भी और जितना तारीफ किया है उससे 2 गुना तारीफ करना पड़ेगा ARPU को इंक्रीज करने के लिए और यहाँ पे उनको बाजार में सस्टेनेबिलिटी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जितना तारीफ हुआ 20 से 25% हुआ, तो अभी भी वो मान रहे हैं कि 50% के आसपास का तारीफ है यहाँ पे वोडाफोन आईडिया की तरफ से आना चाहिए, तभी जाकर के वो यहाँ पे सस्टेन रह सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी बोला है कि सब्सक्राइबर चर्न है उसको कहीं ना कहीं एनी हाउ कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बाकी हरूफों को यहाँ पे टक्कर दे पाएंगे, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। तो ये तीन खबरें थी जो कि मैं आपके सामने मैंने प्रेजेंट करी। मैं आपको अभी एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के कारोबार की सिचुएशन किस तरह की है वो बता करके चार्ट पे लेकर के जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं 12.70 रुपए के आसपास क्लोजिंग, 0.78% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग देखे 12.80 रुपए, ओपन 12.85 रुपए, हाई 13 रुपए के आसपास का, लो 12.70 रुपए, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 12.75 रुपए। क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है तो वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 15,88,00,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरी हुई है 6,67,00,000 शेयर की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी
42% के आसपास की नजर आ रही है। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, परंतु पिछले कुछ दिनों की कंपैरिजन करें, पिछले वीक की, तो यहाँ पे ट्रेडिंग की वॉल्यूम थोड़ी बहुत गिरती हुई नजर आ रही है। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, और यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट अगले हफ्ते किधर रह सकता है वो आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो का साथ डेफिनेटली बने रहे दोस्तों। जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे देखिए बढ़िया तेजी था, 1 डे की टाइम फ्रेम पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग लगभग 17 रुपए के आसपास काई मार करके यहाँ पे गिरावट फिर से तेजी थी, और उसके बाद बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिली थी, जो 20% की गिरावट देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन को टकरा करके जो कि आ रहा है 11.5 से लेकर के 10.70 रुपये के बीच में, यहाँ से ही वो घूमता हुआ नजर आया है। और ऊपर की तरफ जो 13.60 रुपये से लेकर 14 रुपये के आसपास का बड़ी टाइम फ्रेम पे जोन दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन, आर जोन, वहां पे रुकआउट का भी लेवल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ी रेंज जो कि नीचे की तरफ 10.17 रुपये से लेकर ऊपर की तरफ 14 रुपये, इसमें मुझे लगता है कुछ महीने वोडाफोन आइडिया बिता सकता है जब तक कोई भी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता। एक बार यहाँ पे 14 रुपये के ऊपर निकल गया तो फिर डायरेक्टली आपको 14.95 रुपये से 15 रुपये का, और उसके बाद 16.80 रुपये के जोन डेफिनेटली दिखाई देंगे। परंतु अगले वीक में मुझे 11.5 से 10.70 रुपये के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाई करने की कोशिश करूंगा। ऊपर की तरफ 13.60 रुपये से लेकर 14 रुपये के बीच एक जो रेजिस्टेंस जोन है बड़ी टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने बताया वहां पे मैं शॉर्ट टर्म में लिया है, तो प्रॉफिट बुक करने की भी मैं आपको सलाह दूंगा। दोस्तों यहाँ पे आरएसए का लेवल 1 डे की टाइम फ्रेम पे मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे आरएसए का लेवल अभी भी थोड़ा बहुत वीक बना हुआ है, 42 के आसपास का आरएसए का लेवल है। तो इस लेवल को अभी भी और थोड़ा स्ट्रोंग होने देना है, उसके बाद मुझे लगता है एज अ जोन है वो आपको टूटता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी स्टडी के अनुसार ही आपको कोई डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबाना है, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।